जसबीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग पिक्सेलोमैनियक्स। आज का जो ये वीडियो है, इसमें अभी आपने देखा होगा कि हमने पेंसिल अप्सरा पेंसिल की अनबॉक्सिंग की थी, तो देखते हैं कि ये पेंसिल किस प्रकार से आर्टिस्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, और साथ ही एक पोर्ट्रेट हम इनसे ड्रॉ करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी है और कहाँ पे किस ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हमें जो 6 ग्रेड मिले हैं वो हैं HB, 2B है, 4B है, 6B है, 8B है और 10B है। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से बेनिफिशियल होंगी और किस तरह से इनसे ड्रॉ करेंगे हम। तो आइए ड्रॉ करते हैं एक पोर्ट्रेट और उसमें इन डिफरेंट ग्रेड्स का यूज़ करते हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले इन पेंसिल को हम शार्प कर लेते हैं और उसके बाद पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। पेंसिल मैंने शार्प कर ली है ये सारी, और जो पोर्ट्रेट मैंने सेलेक्ट किया है इसके लिए, ये पोर्ट्रेट है उत्तराखंड के महान कवि हमारे देश के, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे, सुमित्रानंदन पंत जी का पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया है इसके लिए हमने, और वो छायावाद के एक महान कवि हुए हैं हमारे देश के। तो उनका पोर्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि ये डिफरेंट ग्रेड्स किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकते हैं इस ड्राइंग में। तो लेट्स ड्रॉ द पोर्ट्रेट।
ड्राइंग को जो ड्रॉ किया गया है वो अप्सरा पेंसिल के द्वारा यूज किया गया है, जिसकी कि अनबॉक्सिंग मैंने की है। तो इसमें अलग अलग पेंसिल का जो यूज़ है वो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। इसमें जो आउटलाइन ड्रॉ की गई है उसमें मैंने HB पेंसिल का प्रयोग किया है, और इसके अलावा इसका 2H पेंसिल का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं हम, या मैकेनिकल पेंसिल का भी मैंने कहीं भी प्रयोग किया है, तो उसमें भी HB की ही लीड है, तो HB का प्रयोग यानी कि आउटलाइन के लिए सबसे पहले हमने HB का प्रयोग इसमें किया है। उसके बाद जो बेसिक लेयर होती है, चाहे चेहरे की हो, बालों की हो, या ये जो आउटफिट है इसकी हो, तो उसके लिए हमने 2B पेंसिल का प्रयोग किया है या HB पेंसिल का ही प्रयोग किया गया है। और साथ में जो लाइट है इसको या तो हम बिल्कुल ब्लैंक रख सकते हैं, या इसको HB पेंसिल से हम अगर इसको शेड करते हैं तो इस वाइट एरिया को इरेजर के थ्रू हम ऑप्ट करते हैं। दूसरा 2B 4B का प्रयोग किया गया है अलग अलग जगहों पे, जैसे ये स्पेक्स का लेट है, ये है, तो ये स्पेक्स के इस भारी एरिया के लिए 4B का प्रयोग मैंने किया है, और 6B का भी इसमें प्रयोग किया गया है, ताकि ये डार्क, जैसे कि हमारे रेफरेंस पिक में दिखाई दे रहा है वही डार्क वैल्यू हम यहाँ पे शो कर पाएँ, तो इसमें भी 6B का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हेयर्स में, आइज़ में 2B 4B का प्रयोग किया गया है, और जो आईब्रोज़ हैं, आईब्रोज़ के लिए हमने 4B का यहाँ पे यूज़ किया है। इसके बाद बात आती है हेयर्स की, हेयर्स में 6B 4B और 6B की हम एक प्राइमरी लेयर सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी लेयर होती है उसमें हमने 8B और 10B का भी प्रयोग किया है। इसमें 10B सबसे हाई ग्रेड की पेंसिल इसमें हमें मिली है, तो 10B का प्रयोग इसमें किया गया है हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद हेयर्स में जो वाइट हेयर्स शो किए गए हैं, ये जो हाइलाइट्स हैं, ये इरेजर के द्वारा ये ऑप्ट किए गए हैं। इसके अलावा ये जो आउटफिट है, आउटफिट में सबसे पहले HB और 2B की बेसिक लेयर है, उसके बाद इसमें इस तरह से स्ट्रोक्स हैं, और इस प्रकार से 2B की ये टोटल सेट इसमें की गई है, कहीं कहीं पे 4B का भी प्रयोग किया गया है, और इस तरह के अलग अलग से शेड को, तो इस तरह से कहीं पे भी जो शेड है, शेड को देख के भी ये पता कर सकते हैं हम कि यहाँ पे कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाना है। यानी कि HB से 2B 4B 6B 8B और 10B ये ज़्यादा डार्कर शेड्स हैं, तो इस तरह से जहाँ पे हमें और ज़्यादा डार्कर वैल्यू चाहिए वहाँ पे हम 4B 6B 8B का प्रयोग करते हैं, 10B का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे लाइटर वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं तो वहाँ पे HB और 2H 4H इस तरह की पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ तक इन पेंसिल की बात है, ये पेंसिल यूज़ करने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और ये अफोर्डेबल भी हैं, तो बिगनर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेंगी, और इनका इम्प्रेशन भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और ये पेपर उतना स्मूथ नहीं है, ये केवल 120 GSM का पेपर है, तो ये इतना बेहतर नहीं है इसके लिए, लेकिन अगर अच्छा पेपर हो 180, 150, 180, 200 GSM, तो उसमें ये पेंसिल बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो दैट्स इट गाइज, एंड कीप वॉचिंग पिक्सेलोमैनिक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।